दोस्तों आप देख सकते हो हमारी पुरानी जो फोटोज डिलीट हो रखी है वो फोटोज हमारे पास रिकवर हो चुकी है। ये देखिए, ये जो भी स्क्रॉल डाउन में फोटोज चल रही है वो फोटो हमारी पुरानी है जो कि हमारे मोबाइल से डिलीट हो चुकी है। यानी कि हमें पता नहीं चलता कौन से बैकअप के अंदर ये है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर ये स्टोर रह चुकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है परसाराम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल परसा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे फाइल रिकवरी के अंदर आपको करना है फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए या ऑडियो चाहिए या और कुछ क्लिप चाहिए। चलिए मैं फोटोज के सेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे टेप टू सर्च। चलिए मैं टेप टू सर्च पर कर दे। थोड़ा सा वीडियो फास्ट है ताकि लोड ज्यादा ले रहा है, इसलिए मेरी फोटोज ज्यादा डिलीट हो रखी है पुरानी। चलिए तो ये लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट करता हूँ। हर आपका जितना भी है उस सब का एक एक स्टेप बाय स्टेप आपका फोल्डर बन चुका है। उस फोल्डर के अंदर दिखा रहे कौन सी फोटोज है, क्या है, क्या चीज़ नहीं है। आपको यहाँ से कंप्लीट डिटेल के अंदर दिखा रहे कितने फोल्डर बने हुए, क्या फोटोज है, क्या नहीं है। दोस्तों ये देख सकते हो इसके अंदर ऑल टोटल फोटोज दिखा रही है हमारी, जो भी डिलीट है, हमारे कैमरे की डिलीट है, हमारी गैलरी की डिलीट है, इंस्टाग्राम की डिलीट है, व्हाट्सअप की डिलीट है या स्क्रीन शॉट डिलीट है, कुछ भी डिलीट है, आपकी एक्सटेंडर की डिलीट, कहीं की भी डिलीट हो आप यहां से रिकवर कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ। सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे। चलिए तो हम चले जाते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पे। चलिए हम लोग आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद में आपको एक चीज सर्च करनी है, फाइल रिकवरी। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है यहाँ से फाइल रिकवरी एप्लीकेशन। चलिए इस एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल कर लिया, तो हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।